हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। दिस इज के संबंध में कम टू इट न्यू व्लॉग। तो मतलब ये काफ़ी दिन होगा व्लॉग नहीं आया था चैनल पे, तो अभी हम लेके आ गए न्यू व्लॉग। मतलब बाइक हुआ है मॉडिफिकेशन, फुल कलर हुआ है और कुछ पार्ट्स नया लगा है और कुछ पार्ट्स जो पुराने का पुराना है। पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ बाइक के ऊपर, तो वो दो वीडियो भी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मतलब ये कलर चेंज हुआ है, कुछ पार्ट्स एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। एक्चुअली गाड़ी हुआ था एक्सीडेंट 26 फरवरी को, मतलब 5 मंथ्स अप्रोक्स हो जाएंगे गाड़ी पड़ा था, मतलब लॉकडाउन कोरोना वो सब बात रास्ते में कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। मतलब एक्चुअली मैं गाड़ी का हो गया था एक्सीडेंट, तो 5/26 को हुआ था एक्सीडेंट। तो तब से गाड़ी अभी तक पड़ा हुआ था, लॉकडाउन कोरोना, फिर एग्ज़ाम की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, बस कोणार्क का वीडियो लास्ट था, तो उसके बाद यही वीडियो डाल रहा है। एक्सीडेंट एक्चुअली गाड़ी हो गया था जब मैं वीडियो डाला था, तो गाड़ी एक्चुअली हुआ था फेरोसेंट कलर येलो इस टाइप हुआ था, तो अभी मैंने ब्लू कर दिया बिकॉज मतलब सिंपल में कराना है और मतलब इतना लेंदी में नहीं जाना है। तो उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया कोरोना का, कोरोना का चलचला जो है अभी तक भी चल रहा है, लेकिन क्या करें, फिर भी प्रिकॉशन में रहना पड़ता है। तो उसके बाद से वीडियो एक भी नहीं आया, करीब करीब 5 मंथ्स हो जाएंगे गाड़ी एक्सीडेंट के बाद जो अभी हुआ है, मतलब पूरा फाइन हो गया। मतलब गाड़ी इतना स्मूथ चल रही है ना, मतलब क्या ही बताएं, चलाने में मज़ा आ रहा है। बस दिल कर रहा है कि गाड़ी स्टार्ट करूं और एक राइड पे निकल जाऊं, तो उस राइड तो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर भी देख रहा हूं यही संडे राइड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि संडे को और सैटरडे यहाँ पर बंद रहता है, उड़ीसा का 11 जिला बंद रहता है, सो हमारा ज़िला भी उसमें एक है, मतलब कि कहीं जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन कोई दिन भी होगा सुबह मॉर्निंग पे एक राइड के लिए जाएंगे 100 किलोमीटर के आसपास दिखाएंगे। लेकिन अभी जो हम जा रहे हैं गाड़ी का, मतलब बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया है, क्या क्या हुआ था, तो क्या न्यू लगाया है, तो उसके बारे में सब पता करते हैं और यहाँ से लेंगे राइट। तो जाकर वहाँ थोड़ा वीडियो आपको डिटेल्स में समझा देंगे, फिर रात को जाकर वीडियो अपलोड होगा, आज ही अपलोड कर देंगे सोच रहे हैं, क्योंकि 5 मंथों का वीडियो भी नहीं पड़ा है, एडिट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आज ही करेंगे या हार्डली कल कर देंगे। तो चलो आगे की बात वहाँ पर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जिस जगह पे बनाने का था वीडियो वहाँ पे हम आके अभी पहुँच गए हैं, तो आपको दिखाएंगे वीडियो, मतलब कि बाइक में कौन सा सामान लगा है, कौन सा सामान रिप्लेस हुआ है, तो डिटेल्स में वीडियो होगा। और रही बात, बहुत से लोग डीएम करते हैं कि आप जो सामान लगा रहे हो, जो बाइक में पार्ट्स फेयरिंग वेयरिंग सब लगा रहे हो, वो कहाँ से लाते हो, तो उसके लिए लिंक में मैं एक नंबर दे दूँगा, उसमें करना कॉन्टैक्ट, आपको आराम से मिल जाएगा, शिपमेंट कर देंगे, वो एक्स्ट्रा शिपिंग लेते हैं चार्ज, इनसे बात कर लेना ठीक है, तो नंबर दे दूंगा। तो अब चलो देखते हैं भाई। तो अभी स्टार्ट करते हैं कौन सा पार्ट्स बाइक में लगा है और कौन सा पार्ट्स डैमेज हुआ था। तो चलो पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में पहला हमारा आता है डीबी वाइजर, तो ये बाइक की लुक को एनहांस करता है, और उसमें हमने
नंबर प्लेट लगा दिया है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगा हुआ करता था लेकिन वो बाइक का मतलब लुक खा जा रहा था, तो नंबर प्लेट हमने इसमें लिखवा दिया और एक स्टिकर बस लिखू मोली का, क्योंकि इंजन ऑयल डालते हैं सो इसको लगवा दिया है। तो उसके बाद आता है हमारा मिरर इंडिकेटर। मिरर इंडिकेटर मतलब कि आप जब रात को देखोगे ना बाइक, मतलब अलग ही लगे कुछ आ रही है एक दूर से, वही फील आएगा। तो इसको हम रात को एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे। ये भी देखो स्क्रैच हुआ है, ये देखो एक्सीडेंट में स्क्रैच हुआ था। तो उसके बाद आते हैं रेजर। ये रेजर मतलब कि बाइक के लुक को यहाँ से हेडलाइट के 0.5% पर आ जाता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और जो रहा हेडलाइट की बात, तो हेडलाइट भी हमने पूरा न्यू लगवाया है, क्योंकि हेडलाइट मतलब थोड़ा सा फूट चुका था। और जो प्रोजेक्टर लाइट था उसमें हमें नाइट पे कहीं राइड करके जाने वक्त इतना अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था, तो इसमें हमने एलईडी लाइट लगवा दिया है। तो ये रहा विंगलेट। विंगलेट तो पहले जैसा था वैसा ही है। तो उसके बाद आते हैं हमारा लीवर। लीवर तो पहले हमने ब्लैक में रेड वाला लगवाए थे, तो वो पूरा टूट चुका, तो उसके लिए हमने ये वाला लगवा दिया है। एडजस्टेबल लीवर है, मतलब कि ये देखो, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लीवर का इतना तो मजबूत नहीं है, पहले वाला थोड़ा अच्छा था लेकिन अच्छा क्वालिटी का मिल नहीं रहा था, इसे लगवा दिया। जैसे ही मिलेगा फिर उसे लगवा देंगे। तो उसके बाद आता है फ्लश माउंट इंडिकेटर। ये इंडिकेटर बहुत ही मतलब कि अच्छे क्वालिटी का और बाइक पे भी जचता है। तो पीछे की तरफ अगर आए तो टेल टाली लगवा दिया है और मोड गार्ड टोटल निकाल दिया है और एरा इंडिकेटर। तो यहाँ पे सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, बस जो लाइटिंग हमने गाड़ी में लगा रखा है उसका वीडियो इसके बाद आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हालत हुआ है, इसको पूरा पेंट किया है। तो पहले जो लगाया हुआ था आखरा पविक का फास्ट कॉपी एग्जॉस्ट, तो सोच रहे हैं उसको लगा दें। और कलर की बात करें तो कलर फुल ब्लू में हमने रिम करवाया है, मेटालिक फ्लोरेसेंट कलर। तो गाड़ी अभी गंदा हो रखा है तो इसलिए थोड़ा ख़राब दिख रहा होगा, तो लेकिन कलर एक नंबर है भाई। तो चलो देखते हैं लाइटिंग। करते हैं वीडियो को एंड। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो, जो मतलब कि अपने बाइक को मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं और मतलब कि मॉडिफिकेशन के वीडियो और देखने के लिए और राइडिंग के और भी वीडियो देखने के लिए काफ़ी जगह हम एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। तो और 3 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक है गेमिंग चैनल, पांडा गेमिंग नाम से है, तो भाई बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है। और एक है MZS एडिटोग्राफी, मतलब कि एडिट गजब का भाई करता है, तो वो भी ट्यूटोरियल देता है, उसको भी सब्सक्राइब करें। और एक है कॉमेडी चैनल भाई, कॉमेडी मतलब ऑसम कॉमेडी भाई देखें। और तीनों चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो देखें भाई स्वाद आ जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो पे। बाय।